अभी जो पूरे क्षेत्र का मैंने निरीक्षण किया है और जो पूरी तरह से फसल नष्ट हुई है, मैंने मांग रखी है कि संपूर्ण मुआवजा मिलना चाहिए। जो राजस्व विभाग के नियम है उसके अनुसार बीमा कंपनियों के द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए और केंद्र सरकार के द्वारा भी जो 10,000 करोड़ का पैकेज का मांग हमने भेजा है, पूरी मुआवजा केंद्र सरकार से भी मिलनी चाहिए। ये प्रादेशिक स्तर की आपदा हो चुकी है, हजारों किसानों का फसल नष्ट हो चुका है, 44 जाने गई हैं, 27,000 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो आज केंद्र और राज्य सरकार को दोनों आगे आकर कार्य करना होगा। राज्य सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है, घोषणा भी हो चुकी है, एक एक किसान के खाते में मुआवजा राशि जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए ताकि कुछ राहत उस किसान को मिल पाए। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए थे और 1,000 करोड़ की घोषणा कर गए थे, जिसके बाद में प्रदेश के मुखिया भी यहाँ पे पहुंचे हैं, जिन्होंने इस मामले को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं आया हूँ यहाँ राजनीति नहीं करने के लिए, मैं आया हूँ यहाँ किसान के दुख और दर्द को समझ कर उस पर एक्शन लेने के लिए, और मेरी गुहार दोनों तरफ होगी, प्रदेश सरकार के प्रति भी और केंद्र सरकार। मध्य प्रदेश में 18 सांसद भाजपा ने दिए और इसके बाद भी अगर 28 सांसद यहाँ से मध्य प्रदेश से दिए गए, इसके बाद भी केंद्र में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही तो बात है ना, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं यहाँ राजनीति नहीं करने आया हूँ, अगर 28 सांसद हैं तो एक आवाज में बोलें और प्रदेश को राशि दिलवाएं। जैसे हम लोग जब केंद्र में थे, जब कई बार सूखा की वजह से हमने राशि प्रदेश सरकार को मनमोहन सिंह जी द्वारा कई बार दिलवाई। चलिए क्योंकि मेरा एक लगाव, मेरा एक संबंध राजनीति के लिए है, मेरा एक लगाव, एक मेरा संबंध आपके साथ एक हृदय का है, एक अन्नदाता का है और इस माटी के साथ है। देशों की घड़ी में मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि आपके समक्ष आकर आपकी पीड़ा, आपका दर्द को बांटने का काम और उस जख्म पे मरहम लगाने का काम सिंधिया परिवार का मुखिया का होता है। मंदसौर और नीमच में दोनों तरफ से चपेट में किसान पिस गया, एक तरफ से बाढ़, दूसरे तरफ से अतिवृष्टि। हमारी चंबल की नदी के तट के दोनों तरफ तबाही का आलम आज बढ़ चुका है। इसके पहले वाले गांव से मैं आ रहा था, सुबह भूख का पूरा और सुहाग का पूरा होते हुए मैं आ रहा हूं। 2 किलोमीटर दूर गांव वालों को पटरी पर लाकर उनकी जान को बचाकर तारतोली के टेंट में प्रशासन ने रात का विश्राम के लिए वातावरण बनाकर उनको अन्न देकर वहां उनका देखभाल किया जा रहा है। आपदा में राजनीति नहीं होती, आपदा का रंग न भाजपा का होता है न कांग्रेस का होता है, आपदा का रंग जनमानस का होता है, सरकार किसकी भी हो, केंद्र की या प्रदेश की। कूद के आना चाहिए जनता के सहायता करने के लिए हर सरकार को, और जब हमारी केंद्र की सरकार थी हमने राशि दिलवाया, अब अपेक्षा होनी चाहिए हम सब की तरफ से कि जो ये बाढ़ नहीं आया है मालवा में, ये एक आपदा आई है,
केंद्र सरकार के आपदा कोष से भी राशि दिलवाई जानी चाहिए ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। आपकी लड़ाई में लड़ूंगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी साथ में आए हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिविर यहां भी लगा है। मैंने तुलसी सिलावट जी से कहा है कृपा करके 10 दिन और डॉक्टरों को यहां रखें ताकि हर व्यक्ति की स्वस्थ सेवा भाव के साथ उनकी स्वास्थ्य की सेवा हो पाए। निःशुल्क रूप से मध्य प्रदेश शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।